we now will come to the schedule which you are awaiting state by state. चुनाव आयोग ने जैसे ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा की, वैसे ही पांचों राज्यों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता लागू हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक चुनाव है तब तक चुनावी राज्यों में सरकार और राजनीतिक दलों पर निगरानी होगी। वो कुछ काम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आचार संहिता लगने के बाद किन कामों पर रोक होगी, इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने विस्तार से गाइडलाइंस बनाई है। उनमें से कुछ प्रमुख गाइडलाइंस ये हैं। पहला, आचार संहिता लागू होने के बाद केंद्र या राज्य सरकार किसी नई योजना और नई घोषणाएं नहीं कर सकता है। कोई भूमि पूजन और लोकार्पण नहीं हो सकता है। चुनावी तैयारियों के लिए सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी सरकारी गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज का उपयोग वर्जित होगा। आचार संहिता लागू होते ही दीवारों पर लिखे गए सभी तरह के पार्टी संबंधी नारे, प्रचार सामग्री हटा दी जाएगी। होर्डिंग, बैनर और पोस्टर भी हटा दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को रैली, जुलूस या फिर मीटिंग के लिए परमिशन लेनी होती है। धार्मिक स्थलों और प्रतीकों का इस्तेमाल चुनाव के दौरान नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को किसी भी तरह की आर्थिक पेशकश या कोई गिफ्ट नहीं दिया जा सकता है। रिश्वत के बल पर वोट हासिल नहीं किए जा सकते हैं। किसी भी प्रत्याशी या पार्टी पर निजी हमले नहीं किए जा सकते हैं। भाषा विवादित होने पर एक्शन संभव है। मतदान केंद्रों पर वोटरों को लाने के लिए गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकते हैं। मतदान के दिन और इसके 24 घंटे पहले किसी को शराब वितरित नहीं की जा सकती है। मोटे तौर पर वोटरों को लुभाने की कोशिश नहीं की जाएगी। किसी भी चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से संपन्न करने के लिए चुनाव आयोग ने ये नियम शर्तें तय की हैं। इन्हीं नियमों को आचार संहिता कहते हैं। We now will come to the schedule which you are awaiting state by state and now to start with from the Mizoram the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all the states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in two phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram in the for the two first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th, date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of gazette notification would be 30th October and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. आदर्श आचार संहिता कानून के द्वारा लाया गया प्रावधान नहीं है। ये सभी राजनीतिक दलों की सर्वसहमति से लागू व्यवस्था है, जिसका सभी को पालन करना होता है। आदर्श आचार संहिता की शुरुआत सबसे पहले साल 1960 में केरल विधानसभा चुनाव में हुई थी और 1967 में ये पूरे देश में लागू हुआ। नियम तोड़ने पर क्या होती है कार्रवाई, ये भी जान लेते हैं। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही काम करते हैं, साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों को लागू करना सुनिश्चित करते हैं। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है अथवा उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है या उसके विरुद्ध FIR दर्ज हो सकती है। दोषी पाए जाने पर उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है।